हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू शानवी मॉम्स ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। हम लोग भी यहाँ पर अच्छे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी गांधी जयंती। आज है 2 अक्टूबर, सो हैप्पी गांधी जयंती। एंड आज मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाई हूँ, जो कि ना ही कोई ब्लॉग है ना ही कोई कुकिंग है, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो मेरी, आप देख सकते हैं, मेरी चारों तरफ बहुत ही ग्रीन ग्रीन है। मेरी बैकयार्ड में बहुत ही सारी पेड़ उगे हैं, पर इन सब की पेड़ों के कुछ मेडिसिनल यूजेस भी है। पिक है पपाया की, पेड़ की पपाया की, तो जो फायदे है आप लोग सब जानते ही होंगे, पर उसके पत्ते जो है, पपाया लीव्स जो है, उसकी भी बहुत सारी फायदे होती है। ये बात हर किसी को नहीं मालूम होती है। पाने वाली हूँ पपाया के पत्ते, मतलब पपाया लिप्स की क्या फायदे हैं। ये जो फायदे हैं मेरी खुद की एक्सपीरियंस की गई होगी। मैं कोई भी चीज़ ऐसे रेकमेंड नहीं कर रही हूँ जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है। जो जो चीज़ हमारे घर पे ट्राइड और टेस्टेड है, वही चीज़ें ही मैं बताऊँगी। और कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो कि सारे लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसके बारे में भी बताऊँगी। तो पहले देखते हैं पपाया के पत्ते। आप सबको तो पता होगी, फिर भी दिखा लेती हूँ थोड़ी। ये देखिए, ये रही पपाया के पत्ते। मेरी बैकयार्ड में बहुत ही सारी पपाया की पेड़ है, और हम लोग हर साल करीबन 10 से 12 पपाया की पेड़ लगाते ही है। हमारे घर में कुछ ज़्यादा ही यूज होती है पपाया, तो पपाया के बेनिफिट तो सबको पता है, पर मैं आज इसकी पत्ते की बेनिफिट बताऊंगी आपको। तो आज मैं आपको ये पपाया के पत्ते के बेनिफिट के बारे में बताऊँगी। इसकी बहुत सारे बेनिफिट है मेरे घर में, ये मेरी बैकयार्ड में ये बहुत सारी पेड़ है। तो पहले बेनिफिट तो ये है कि पपाया के पत्ते को, इसके पत्ते और डंठल दोनों को ही जूस बनाकर पीते हैं हम लोग कभी कभी, मतलब महीने में 15 दिन तो पीते ही है। तो उसकी क्या बेनिफिट होती है? अच्छा, ये पपाया के पत्ता मैंने घर पे कैसे बनाया उसकी वीडियो में मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी, तो आप एक बार देख लीजिएगा। और इसकी काढ़ा भी बनाते हैं। काढ़ा बनाने की प्रोसेस भी मैं बाद में आपको बता दूंगी। तो पहले ये बात यह है कि डेंगू और मलेरिया की जो फीवर होती है, उनमें जो हमारे ब्लड पेटल्स लो हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है, उसे इंक्रीज करने में पपाया की पत्ता बहुत ही हेल्पफुल होती है। सेकंड जो है, हमारी कुछ एज पर्सन हो गए या फिर जिनकी कुछ मरीज से उठे हैं, कुछ डिजीज से उठे, मतलब रिकवर कर रहे हैं, तो फिर जोड़ों में और हाथों में पैरों पर बहुत ही सूजन रहती है, दर्द रहती है, उन सारे लोगों को पपाया के पत्ते को पेस्ट करके खानी चाहिए। सुबह 2 से 3 चम्मच और शाम को 2 से 3 चम्मच खानी चाहिए इसे। बिना खाली पेट ही खानी चाहिए, मतलब आप कुछ खाना खाने से आधे घंटे या हो सके तो 1 घंटे पहले इसे लीजिए। बहुत ही कड़वी होती है ये, फिर भी ये लेनी चाहिए। मेरी बच्ची तो लेती है, कड़वी है फिर भी ले लेती है। तो फिर अगर आप वैसे ही नहीं खा पाते हो इसे, तो फिर इसको क्या करना है, जो पेस्ट और जूस हम निकालते हैं उसमें थोड़ी शहद, में तो ये करती हूँ कि जूस थोड़ी, उसमें थोड़ी हनी मिला लेती हूँ, क्योंकि वैसे तो खा ही नहीं जाती, मैं भी हनी वैसे नहीं खा सकती, इसीलिए थोड़ी हनी मिला लेती हूँ। आप चाहे तो हनी मिला सकते हो, जैगरी गुड़ मिला सकते हो, और चाहे तो मिश्री भी ऐड कर सकते हो उस पर थोड़ी टेस्ट के लिए। मतलब टेस्ट की तो कोई ज़रूरत नहीं है, पर इतना कड़वा होती है कोई कोई खा नहीं पाते, तो फिर उसी तरह से आप लोग खा सकते हैं। तो फिर जोड़ों की जो दर्द होती है वो भी कम होती है। और तीसरी जो होती है, कैंसर रोगी के लिए भी ये बहुत ही अच्छी होती है। मतलब कैंसर रोगियों में भी ये देखी जाती है कि ब्लड पेटल्स लो होती जा रही है, और फिर उनकी बॉडी में इतनी होती नहीं है, तो फिर एंटीबॉडी इंक्रीज करने में ये पपाया की जूस लीव, पपाया लीव की जूस बहुत ही काम आती है। पपाया की तो फायदे हर किसी को मालूम है, पर पपाया लीव भी उतनी ही फायदेमंद है जितनी की पपाया है। तो फिर ये रही कैंसर रोगी के लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद है इसकी जूस। और फिर और एक है जो इम्यूनो सिस्टम, कभी कभार क्या होते है कि जैसे ही मौसम चेंज होती जाती है, हम लोगों को सर्दी जुकाम, कुछ लोग होते हैं अक्सर उन्हें सर्दी जुकाम और फिर फीवर आती रहती है, जैसे ही सीजन चेंज होती है उनको कंटिन्यू होती है, तो वो लोग हर बार डॉक्टर के पास जाते हैं और पूछते हैं हमें ही लगातार बीमारियां क्यों लगी रहती है। तो उनका मेन प्रॉब्लम ये है कि उनकी बॉडी में जो इम्यूनो सिस्टम है वो वीक होती जा रही है, मतलब उनकी जो फाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो
सही से नहीं काम कर रहे या फिर डिक्रीज होते जा रही है, कमजोर होते जा रहे, तो उनके लिए ये बहुत ही बड़ी वरदान है कि आप इसकी जूस निकाल के या फिर इसकी पिट्ठी बनाकर, मतलब जो एक फाइन पेस्ट बनाकर उसकी काढ़ा बना सकते हैं, या फिर इसकी जूस निकाल कर, मतलब पहले ग्राइंड कर लेना, फिर अच्छे से साफ कपड़े में इसको निचोड़ के इसकी जूस निकाल लीजिएगा, और फिर उसे सुबह 2 से 3 चम्मच और शाम को 2 से 3 चम्मच खाली पेट ही इसे खानी है, ताकि आपकी इम्यून सिस्टम है जो वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाए और फिर आप लगातार बीमार नहीं पड़ोगे। और एक जो बात है, 4th पॉइंट मेरी है कि वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स की क्या अहमियत होती है, जो आप लोगों को सबको पता ही होगी, क्योंकि हमारी बॉडी में नेचुरल तरीके से वो इम्यूनिटी सिस्टम इंक्रीज करती है। तो अगर वाइट ब्लड सेल्स कमी हो जाती है तो फिर बहुत ही प्रॉब्लम होती है, लोग अक्सर बीमार होते रहते हैं। तो उसको इंक्रीज करने में भी पपाया लिप्स की जो जूस है वो बहुत ही हेल्पफुल होती है। एंड द 6th वन इज खून की कमी। अक्सर कुछ लोगों को खून की कमी हो जाती है, जिसे एनीमिया बोलते हैं हम लोग। मेरी जो इन लॉ है, मदर इन लॉ है, उनको भी कभी कभी यार खून की कमी हो जाती है, तो उनके लिए बहुत ही फायदा है, इसलिए हम उन्हें ये जरूर देते हैं पपाया लिप्स की जूस जो है। उनकी खून की कमी जब हो जाती है, चेहरा सफ़ेद होने लगता है, पीला होने लगता है, और फिर बॉडी में इतनी जोश रहती ही नहीं है, जैसे कि मानो जान ही नहीं है बॉडी में, तो वो बहुत ही परेशान हो जाती है कि मुझे कुछ हो गई है। तो जब हम चेक करते हैं तो उनकी ब्लड लेवल कम होती जाती है, तो उसके उनके लिए ये, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम आती है उनके लिए ये पपाया लिप्स की जूस निकाल कर पीना बहुत ही फायदेमंद होती है। अगेन वही तरीका होगी, 2 से 3 चम्मच सुबह और 2 से 3 चम्मच शाम को पीनी है इसे। पपाया एक ऐसी पेड़ है जिसकी हर एक पार्ट यूज होती है, जैसे कि ड्रम स्टिक की है, तो इसकी डंठल साथ ही आप कर सकते हो, या फिर चाहो तो ऐसे ही ये कोमल वाले पत्ता ही सिर्फ कर सकते हो। और एक जो इशू है जो कि मेरी बच्ची के लिए कॉमन है, मिक्स्ड होम, मतलब क्रीमी की जो डिजीज है, उसे अक्सर क्रीमी होती रहती है। एलोपैथिक दवाई अच्छे से काम करती है, फिर वापस से वही प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसके लिए ये बहुत ही फायदेमंद एंड 100% गारंटी नुस्खा है और बहुत ही ट्रस्टेड है। मैं खुद इसे करती हूँ, इसलिए मैं बताती हूँ। इसकी जूस निकाल कर इसे थोड़ी साफ कपड़े में निचोड़ लेती हूँ। निचोड़ने के बाद उसको 5 से 10 ml सुबह और शाम को थोड़ी शहद मिलाकर उसे दे देती हूँ हेयर के लिए। तो वो लोग जिनकी बालों झड़ना शुरू हो गई है, बालों में डैंड्रफ होती है, ग्रे हो जा रही है, समय से पहले हेयर ग्रे होती जा रही है, उनके लिए ये बहुत ही लाभदायक नुस्खा है। मैं अपनी बात बता रही हूँ, मेरी बाल बहुत ही पहले सफ़ेद हो चुकी थी और पूरी की पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी थी ऑलमोस्ट, तो मैंने ये वाली नुस्खा अपनाई है, बहुत ही मुझे फ़ायदे मिली है। आप चाहे तो कपड़े में उसे निचोड़ कर उसकी सिर्फ जूस लगा सकते हो, या फिर पूरा का पूरा जो ग्राइंड किया हुआ है उसको, दरदरा इसको जो ग्राइंड किया हुआ है वो वाली किसी भी ब्रश या फिर कॉटन के मदद से लगा सकते हो, और आधे घंटे तक उसे ऐसे ही रहने देनी है, फिर हेयर वॉश करनी है। 1 महीने में बता रही हूँ, 1 महीने उसे यूज़ करके देखिए और रिजल्ट बताइएगा मुझे कमेंट करके, आपको 100% रिजल्ट आएगी ही आएगी। लास्ट एंड नॉट लीस्ट फायदे जो है वो है पिंपल एंड पिग्मी टेंशन। ये लड़कियों के लिए बहुत ही मायने रखती है, आप लोगों को तो पता होगी, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी मुंह में अक्सर पिंपल आती रहती है और फिर पिंपल की दाग भी नहीं जाती और पिंकी भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनके लिए ये बहुत ही रामबाण की नुस्खा है, जो कि आप उसी तरह ही बना सकते हैं, उसकी जूस बना के साफ कपड़े में निचोड़ के लगा सकते हैं, या फिर वैसे ही उसे लगा कर मसाज कर लीजिएगा फेस पे और आधे घंटे तक वैसे ही फेस पे रहे। से बनाती हूँ कि मैं एक फेस पैक की तरह बनाती हूँ, 1/2 चम्मच बेसन डालती हूँ उस पे, 1/2 चम्मच दही और 1/2 चम्मच से भी थोड़ी कम शहद डालती हूँ, और फिर थोड़ी सी रोज वाटर और ये पपाया की जो पिट्ठी है, मतलब उसका जूस नहीं निकालनी है, उसकी खदड़ा समेत उस पे डालनी है, और फिर उसे अच्छे से मिक्स करके जैसे हम लोग फेस पैक लगाते हैं वो फेस पैक लगा के
आधे घंटे ऐसे ही रहने दीजिए। आज हल्की गुनगुनी पानी में मुंह साफ कर लीजिए। अगर 15 दिन में आपको रिजल्ट ना दिखी तो फिर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये बहुत ही फायदेमंद नुस्खे है, अच्छे से कलर निखर कर भी आ जाती है। जिनकी कलर थोड़ी फीकी पड़ चुकी है या फिर ये नहीं बोल रही कि पूरी तरह गोरी हो जाएगी, पर थोड़ी सी कलर निखर आएगी और फिर चेहरा निखर आएगी। और ये डैंड्रफ की प्रॉब्लम के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है। तो जो जिन लोगों को डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है तो वो लोग इसकी जूस निकाल कर उसमें थोड़ी सी लेमन जूस ऐड कर सकते हो और फिर दही ऐड करके उसको एक पेस्ट बना के हेयर पे अप्लाई कर सकते हो। तो ऑल इन ऑल पपाया लिप्स में बहुत ही सारी गुण है जो कि बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगल इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट और जो जो चीज चाहिए वो इसमें भरपूर मात्रा में है। इसमें विटामिन ए, बी, सी एंड ई अवेलेबल है जो हमारी बॉडी के लिए, स्किन के लिए, हेयर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो एक बार मैंने जो जो नुस्खे बताई है एक बार घर पे जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कि मेरी नुस्खे सच में काम आती है या नहीं आती है। ये वाली मैंने घर पे ट्राई कर रखी है इसलिए मैं बता रही हूँ। मतलब कैंसर वगैरह की तो मुझे थोड़ी ज़्यादा पता नहीं है, बस नेट से ही ये मालूम होती है। बट क्रीमी की समस्या, हेयर फॉल और फेस मास्क के हिसाब से इसके जो फायदे हैं और फिर खून कमी के लिए जो फायदे होती है ये हम लोगों ने ऑलरेडी ट्राई कर रखी है। और हम लोगों ने ये कैसे निकालते हैं ये वीडियो भी यहाँ पर एडेड है, आप देख लीजिएगा। तो फिर उस हिसाब से आप पपाया लीव्स जो कि नेचर कितनी अच्छी वरदान है, आप इसकी बेनिफिट आप भी ले सकते हो। तो आज के लिए वीडियो इतनी ही। अगर वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। शेयर करना मत भूलिए ताकि जो ज़रूरतमंद होते हैं, जो जिनकी जिनको कुछ अच्छी नुस्खे चाहिए उनका कुछ फ़ायदा हो जाए। थैंक यू, बाय बाय। और अब मैं बताती हूँ इसकी काढ़ा कैसे बनाते हैं। तो जैसे मैंने फाइन पेस्ट बनाने की जो प्रोसेस बताई सेम वही प्रोसेस फॉलो कीजिएगा। पर मैं जब उसे छलनी में छानती हूँ या प्रोसेस मत कीजिएगा, वही पूरा का पूरा पेस्ट लेकर 1 कप या 1.5 कप पानी में 2 चम्मच तक वो पेस्ट डाल दीजिएगा और उबालने दीजिए उसे, जब तक आपकी पानी जितनी आपने ली थी वो आधा क्वांटिटी ना आ जाए। वो आधा क्वांटिटी आने के बाद उसे अच्छे से छान लीजिए और शहद और फिर चाहे तो मिश्री या गुड़ मिलाकर ऐसे ही वो पानी पी सकते हो, या फिर अगर आप ऐसे ही पी सकते हो तो फिर पी लीजिए। शाम 2 टाइम उसे 3 से 4 चम्मच सुबह और 3 से 4 चम्मच शाम को पीनी चाहिए। और किन लोगों को ये नहीं पीनी चाहिए, जो कि प्रेग्नेंट लेडी होते हैं उन लोगों को ये नहीं पीनी चाहिए, और बाकी इन लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर एज की हर तरह की लोग इसे ले सकते हैं। और जिनको बहुत बड़ी बड़ी बीमारी है जैसे कि हार्ट डिजीज वगैरह, हार्ट डिजीज और लंग्स प्रॉब्लम जो है, डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बाद आप लोग ले सकते हो। पर उनके अलावा और सारी कोई भी एज के लोगों के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है एलिफ की जूस लेने में। थैंक यू। यहाँ पर मैं एक बड़ी पपाया के पत्ते को अच्छे से धो लेती हूँ। धोने के बाद एक ग्राइंडर की जार में ट्रांसफ़र कर लूँगी और इसकी एक फाइन पेस्ट बना लूँगी। आधे गिलास पानी यूज़ किए मैंने, ये देखिए अच्छे से पेस्ट बन चुकी है मेरी। और अब इसे मैं छलनी की मदद से छान लूँगी अच्छे से। ये ली मैंने एक छलनी और फिर यहाँ पर मैं इसे छान रही हूँ। छानने के बाद जो खदड़ है वो निकल जाएगी और फिर हमें पूरा प्योर जूस मिल जाएगी इसकी। आप चाहे तो इसे भी यूज कर सकते हैं, इसकी बेनिफिट भी बताइए मैंने। ये देखिए बहुत ही अच्छी जूस निकल आई है, पूरी ग्रीन ग्रीन जूस आई है। इसकी बेनिफिट सारी मैंने पहले ही बता दी है। ये ओनली जूस आप यूज़ कर सकते हो, वो खदड़ जो बच गई है उसके साथ भी यूज़ कर सकते हो। थैंक यू।